हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आकांक्षा पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये देखो गुन्नू को, इसने अपना चेहरा कैसा कर लिया। अभी मैंने इसको नहलाया था और ये देखो इसने अपना चेहरा कैसा कर लिया है। हेलो करो। हेलो गाइस। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। खाने में भिंडी की सब्जी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं खाना खा रही हूँ और गुन्नू को भी खिला रही हूँ खाना। और आइए आप भी खा लीजिए, ये आपके लिए। कैसी बनी है सब्जी? यम्मी। तो अभी मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ। गाइस देखो, आज मम्मी ने गुन्नू के लिए छोटी छोटी कुर्सी ली है, दो देख लीजिए आप। और ये देखो गुन्नू सो रही है, ये देखो। लेकिन अभी इसके मुंह में से निप्पल निकालूंगी ना मैं, तो ये निप्पल को छोड़ती नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जग जाएगी, जग जाएगी। पर निप्पल में दूध नहीं है, लेकिन उसको छोड़ेगी नहीं निप्पल को। और भावना, राजू अम्मा ने, मेरी अम्मा ने कुर्सी लिया गुन्नू के लिए। बताना आप कैसी है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। तो गाइस हमारे घर में ना मैदा रखी हुई थी, मम्मी कभी लाई होंगी दुकान पर से मैदा। तो मैंने सोचा मैदा के नमक पारी बना लूँ। तो नमक पारे बनाने के लिए मैंने मैदा को तो छान लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन और थोड़ी सी रिफाइंड डाल दिया है। और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। और यही बस इतना ही सामान डालने के बाद है ना, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत कुरकुरे बनेंगे। तो अभी मैं इसको भूत लेती हूँ। और रिफाइंड का हमें ये इसलिए इतना पता चलेगा कि हमने इसमें रिफाइंड ठीक डाली है और इतनी ही डालनी थी। क्योंकि जब हम इसमें आटे को 2-3 मिनट नमक और अजवाइन को रिफाइंड को मिलाएंगे ना, उसके बाद मिलाने के बाद इस तरीके से हम हाथ से उसको मस लेंगे, तो ऐसा ही है रिफाइंड लड्डू से टाइप का बन जाएगा। तो समझ लो इसमें हमने रिफाइंड ठीक मिलाई है, अब मिलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी बस। तो गाइस ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। सारी ले लिए, थोड़ी सी बचाइए। तो ये गाइस हमारा आटा तैयार हो चुका है, देख लीजिए। और इस आटे को हमें ये नहीं है कि हमें इसको फुलाने के लिए रखना पड़ेगा 10-5 मिनट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको साथ के साथ इसके नमक पारे बेल के काट के और वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसको हम जैसे हमने सारे नमक पारे बना लिए, तो हमें ये नहीं है कि इसको 1 घंटे के लिए हमें सुखाना है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बनाने के बाद आप इसको साथ के साथ तल भी सकते हो। तो गाइस नमक पारे मैंने काट बेल के काट लिए हैं, देख लीजिए। और मैं अब इनको फ्राई भी कर रही हूँ साथ के साथ, ये देख लीजिए। और अब ये बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे नमक पारे तैयार हो चुके हैं, आप देख लीजिए। और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत कुरकुरे बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए। तो इनको छोटे बच्चे भी बहुत आराम से खा सकते हैं, जैसे कि मेरी गुन्नू और बंकू बहुत आराम से खा सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बने हैं ये। और नमक पारे जैसे ही बन गए हैं,
तो मैंने मम्मी के लिए चाय रख दी है, तो मम्मी के लिए चाय भी बन रही है, देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना। बाय बाय।